चपरासी भी नहीं सुनते मेरी, तो गाड़ी बंगला किस काम का, कहकर नीतीश सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की। नीतीश सरकार में नौकरशाही किस तरह हावी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिला है। नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बिहार सरकार की नौकरशाही की पोल खोलते हुए आज इस्तीफे की पेशकश कर डाली। सरकारी घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा, जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं। मदन सहनी ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हम लोग बरसों से तानाशाही झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में यह बात भी उजागर हुई है कि मदन सहनी ट्रांसफर पोस्टिंग अपने मन मुताबिक न हो पाने के कारण नाराज चल रहे हैं और उसी का गुस्सा है कि वह इस्तीफे की पेशकश का नाटक मीडिया के सामने कर रहे हैं। उधर मदन सहनी कहते हैं कि अधिकारी मेरे सुनेंगे ही नहीं तो जनता की सेवा कैसे करूँगा, अगर जनता का काम नहीं कर सकता तो मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है। कहा है कि कैबिनेट का निर्णय है कि ट्रांसफर होना है, लेकिन अधिकारी फाइल दबाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों की माने तो समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने नियमों को ताक पर रखकर इस टाइम पीरियड में ट्रांसफर करने की कवायद शुरू की थी, लेकिन प्रधान सचिव ने नियम के खिलाफ ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था। मंत्री और सचिव की लड़ाई में विभाग में ट्रांसफर ही नहीं हो पाया, जिससे मदन सहनी के नाक का सवाल खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।